गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेंसेस से संबंधित जो सेट फाइव है तो वो हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम फोर सेट इसके कर चुके हैं, टेंसेस के जो एक्सरसाइज हैं तो उससे संबंधित हम फोर सेट कर चुके हैं। अगर आपने वे जो सेट हैं, जो वे जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, अगर वे आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जा कर के वे वीडियो भी देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाई मनजीत, MANJIT मनजीत सिंह, SINGH लठवाड़, LATHWWAL इंग्लिश बाई मनजीत सिंह लठवाड़। तो इस चैनल पर विजिट करके आप मेरे चैनल को अच्छी तरह से देखें, इस पे जो वीडियोज़ जो डाली गई हैं उनको आप देखें अच्छी तरह से। अगर आपको कोई डाउट है अभी आपका तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेजिए, और इस वीडियोज़ को जो मेरी वीडियोज़ मैंने डाली हैं उनको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, उनका भी फ़ायदा हो सके। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द सन डैश इन द वेस्ट, इसमें क्या करना है आपको, वर्ग की फॉर्म भरनी है भाई। जैसे आपने टेंस आपको आते होंगे भी, अगर नहीं आते तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और टेंस को भी सीखिए। द सन डैश इन द वेस्ट, भाई सूर्य जो है पश्चिम में छिपता है। हम सभी जानते हैं भाई सूर्य क्या होता है, पश्चिम में छिपता है। तो यहाँ पर क्या वर्ब आएगी, यहाँ पर वर्ब आ जाएगी सेट के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा भाई। तो क्या भर देंगे हम यहाँ पर, सेट के साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, SET S, सूर्य पश्चिम में छिपता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सच बात है, अभी सूर्य पश्चिम में छिपता है। अब मनु इज डैश ए लेटर टू डिम्पल, मनु क्या कर रही है, डिम्पल को एक लेटर लिख रही है भाई। मनु क्या कर रही है भाई, डिम्पल को लेटर लिख रही है। वर्ब देख लेते हैं, वर्ब क्या है, राइट, सेकंड में क्या है, राइट। तो यहाँ पर इज आया हुआ है, इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें इससे पता चल गया कि क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ING आएगा, क्योंकि टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो जितने भी कॉन्टीन्यूअस टेंस होते हैं उन सभी कॉन्टीन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, ING लगता है। तो जितने भी कॉन्टीन्यूअस टेंस होते हैं उन सभी में क्या लगता है, सभी कॉन्टीन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, ING लगता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मनु इज राइटिंग ए लेटर टू डिम्पल। तो यहाँ पर राइट के साथ क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा, मनु इज राइटिंग, WRITING, मनु इज राइटिंग ए लेटर टू डिम्पल। थर्ड सेंटेंस है, अंकु डैश ए गुड फूड यस्टरडे। तो अंकु ने यस्टरडे आया हुआ है, तो यस्टरडे वाले सेंटेंस में क्या लगता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो चलिए वर्ब देख लेते हैं, अभी वर्ब क्या है, वर्ब है टेक। तो टेक की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टुक, यानी अंकु ने कल क्या खाया भाई, अच्छा भोजन खाया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, TWOK टुक आ जाएगा भाई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या लग जाएगी, टुक। तो अंकु ने कल एक अच्छा भोजन खाया। इसके बाद सेंटेंस नंबर आपका फोर है, सेंटेंस नंबर फोर में देखिए भाई, यू आल शुड डैश फॉर द कंट्री। अब यहाँ पर खालिस्तान से पहले यानी ब्लैंक से पहले क्या आया हुआ है, शुड, शुड क्या है, एक मॉडल है। तो मैंने आपको बताया था अभी मॉडल्स में क्या लगता है, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो वर्ब दे रखी होगी वो फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, यू शुड ऑल। अब वर्ब देख लेते हैं, वर्ब क्या दे रखी है फोर्थ में, तो वर्ब है वर्क, फोर्थ में क्या है, वर्क। तो यू ऑल शुड वर्क, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वर्क आ जाएगी भी, फोर्थ में क्या आ जाएगी, वर्क, WORK। तो ये वर्ब यहाँ पर आ जाएगी, WORK आ जाएगी, वर्क। इसके बाद भी पांचवा सेंटेंस है, सी ऑलवेज डैश द ट्रूथ, यानी वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा सच बोलती है। सी ऑलवेज, जो काम हम हमेशा करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जो काम हम हर रोज़ करते हैं तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ऐसे वाक्य में क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS लगाना होता है। ठीक है, कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS लगाएगा जाएगा, तो ये इससे संबंधित वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो मैं डाल चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो बच्चे मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सी क्या है भाई, एक लेडीज़ है, सी क्या है, एक लेडीज़ है, इसलिए क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, SAIS लगेगा। सी ऑलवेज स्पीक्स हो जाएगा भाई, सी ऑलवेज स्पीक्स, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यानी वो हमेशा क्या बोलती है, वो हमेशा सच बोलती है। इसके बाद सेंटेंस नंबर क्या भाई, सेंटेंस नंबर सिक्स है, सेंटेंस नंबर सिक्स में ही डिड नॉट डैश ए स्पीच। अब यहाँ पर देखिए, खालिस्तान से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिड दिखाई दे रहा है। अगर आपको डिड नॉट दिखाई दे जाए या एज ए हेल्पिंग वर्ब डिड दिखाई दे जाए, तो ऐसे वाक्य में डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि ये वाक्य किस टेंस का है, ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का।
ये वाक्य कौन से टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का जो वाक्य नेगेटिव होता है या जो वाक्य इंटरोगेटिव होता है तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड का प्रयोग होता है। तो डिड जो होती है हेल्पिंग वर्ब वो किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे वाक्य में आती है? नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। सिंपल वाक्य में डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आता है, तो सिंपल वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये वाक्य सिंपल नहीं है तो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये ही डिड नॉट यहाँ पर क्या लग जाएगा? सिक्स्थ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। तो सिक्स्थ नंबर पे देख लेते हैं अभी, ही डिड नॉट मेक ए स्पीच, यानी उसने कोई स्पीच नहीं की भी, उसने कोई भाषण नहीं दिया। ही डिड नॉट मेक ए स्पीच, तो ही डिड नॉट मेक हो जाएगा भाई, यहाँ पर वर्ब क्या आ जाएगी? मेक, एम ए के ई, मेक। इसके बाद है भाई सेंटेंस नंबर 7, एन एरोप्लेन डैश इन द स्काई, यानी एरोप्लेन कहाँ उड़ता है भैया? एरोप्लेन तो आसमान में उड़ता है, एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? आसमान में भी, सच बात है। तो एरोप्लेन भी एक है, एक होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? ऐसे ही ऐसे लगेगा। तो साथ में वर्ब देख लेते, वर्ब क्या है? फ्लाई। तो फ्लाई यानी आखिर में वाई हो तो वाई हटा करके आई ई एस हो जाता भाई, वाई हटा करके क्या हो जाता है? आई ई एस। तो एरोप्लेन एक था इसलिए क्या हो जाएगा? फ्लाई के बाद क्या लग जाए? फ्लाई वाई हटा करके आई ई एस लग जाएगा, एफ एल आई ई एस, फ्लाइज। अगर यहाँ पर एरोप्लेन एक नहीं होता तो सिर्फ क्या आ जाता? फ्लाई आ जाता भाई, ठीक है। एरोप्लेन अगर यहाँ पर एरोप्लेन्स ज़्यादा होते तो यहाँ पर फ्लाई आ जाता, एफ एल वाई। लेकिन यहाँ पर एरोप्लेन एक था इसलिए क्या आया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ऐसे लगा दिया है, यानी वाई हटा करके लगेगा भाई, वाई की जगह आई आ जाएगा और फिर ऐसे आई एस में से क्या लग जाएगा? ई एस लग जाएगा। द, इसके बाद सेंटेंस नंबर 8 है भाई, सेंटेंस नंबर 8 देखिए भाई, सेंटेंस नंबर 8 में सी डैश द पुअर बेगर येस्टरडे। अब यहाँ पर क्या आ गया भाई? यस्टरडे आ गया है। तो यस्टरडे आने से क्या लगेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि यस्टरडे लास्ट, एगो और इनके साथ ईयर कहाँ आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? सिंपल वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो आठवें में देखते हैं अभी वर्ब क्या दे रखी है, आठवें सेंटेंस में देखते हैं वर्ब क्या दे रखी है, तो हेल्प। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लग जाएगी? हेल्प्ड। तो सी हेल्प द पुअर बेगर यस्टरडे, उसने गरीब भिखारी की कल, उसने कल गरीब भिखारी की सहायता की। तो आठवें में क्या लग जाएगा? हेल्प्ड लग जाएगा भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, एच ई एल पी ई डी, हेल्प्ड। इसके बाद सेंटेंस नंबर 9 है भाई, सेंटेंस नंबर 9 में क्या कह रखा है? वी डैश इन द मॉर्निंग डेली, हम रोज़ाना सुबह क्या करते हैं भाई? हम रोज़ाना सुबह क्या करते हैं? हम रोज़ाना सुबह प्रे करते हैं, प्रे यानी प्रार्थना भी करते हैं और रोज़ाना सुबह खेलने भी जाते हैं। अब वर्ब देख लेते हैं, वर्ब क्या दे रखी है? जो काम हर रोज़ होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, तो यहाँ पर प्ले दे रखी है वर्ब। तो ये क्या हो जाएगा? वी तो बहुत सारे हैं तो इसलिए ये क्या आ जाएगा? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा? प्ले, पी एल ए वाई, प्ले। तो वी क्या है? वी बहुवचन है भाई, इसे बहुवचन साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर यहाँ पर एक वचन होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसे लग जाना था, लेकिन यहाँ पर क्या है? वी, वी मीन्स हम, बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें ऐसे ऐसे नहीं लगेगा। इसके बाद सेंटेंस नंबर 10 है भाई आपका, दे आर डैश ए रेस, वे क्या कर रही हैं? वे दौड़ लगा रहे हैं भाई, दे आर, आर आ गया ना, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। इजे एम आर किस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में। क्या आती है? एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। इजे एम आर कहाँ आता है भाई? एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। दे आर रनिंग ए रेस, वे क्या कर रहे हैं? वे दौड़ रहे हैं भाई, दे आर रनिंग ए रेस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रनिंग, दे आर रनिंग हो जाएगा भाई, आर यू डबल एन आई एन जी, दे आर रनिंग ए रेस। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? रनिंग। तो ये कौन सा वाक्य है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या आता है? ए जे एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे को बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके ज़रूर भेजना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ओके, थैंक यू।